खबर उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से है, जहां कल कानपुर से 8 पुलिसकर्मियों की एक हमले में मौत की खबरें आईं। वहीं कल देर रात यूपी के वाराणसी जनपद में भी कुछ लोगों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और उनके द्वारा पुलिसकर्मियों से जमकर गाली गलौज व मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक अपराधी को छुड़ाने के लिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास पटेल द्वारा सुंदरपुर चौकी इंचार्ज सुनील गौड़ और फैंटम के सिपाही मनोज के साथ मारपीट किया गया और इसी के साथ अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर 15 से 20 लोगों के साथ सिपाही और दरोगा के साथ मौके पर मारपीट की गई। लंका इंस्पेक्टर द्वारा विकास पटेल के पिता और चाचा को थाने ले जाने पर क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा थाने पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं सीओ और लंका इंस्पेक्टर के अनुसार अपराधियों को किसी भी हालत में न छोड़ने के लिए कहा गया है। घटना में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल और उनके भाई बिंदु पटेल का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा लंका थाने ले जाया गया है। वहीं लंका थाने पर उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति को देखते हुए थाने द्वारा अतिरिक्त फोर्स बुलाए जाने की सूचना है। मिल रही जानकारियों के अनुसार क्षेत्रीय भाजपा नेताओं द्वारा थाने पर पहुंचकर इंस्पेक्टर और सीओ के ऊपर अपराधियों को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार की रात का पूरा मामला है, जहां काशी विद्यापीठ छात्र संघ के पक्ष विकास पटेल और उसके साथियों ने मारपीट कर पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी। आरोप है कि विकास के पिता और भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल भी इस घटना में लोगों के साथ शामिल थे व मौके पर दरोगा और सिपाहियों से दुर्व्यवहार किया। इंस्पेक्टर लंका अश्वनी चतुर्वेदी ने फोर्स के साथ छापा मारकर सुरेंद्र सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है। सुंदरपुर चौकी के कार्यवाहक इंचार्ज सुनील गौड़ के अनुसार उनको सूचना मिली थी कि सुंदरपुर क्षेत्र में एक युवक को एक मामले में जबरन जमानतदार बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने फैंटम दस्ते को भेजा, वह समीप ही हॉटस्पॉट की व्यवस्था करा रहे थे। हंगामा बढ़ता देख जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें भी दुर्व्यवहार व मारपीट का सामना करना पड़ा। पीएलए न्यूज के लिए वाराणसी से शाहिद खान के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट। मारे पहले तो छोड़िया, पहले छोड़िया, कहीं छोड़ा ना, देखा करो, हाथ करो दी, थोड़ा पहले थोड़ा क्या है, है मान जाओ, मान जाओ। अभी तो हम पहले जाने ना कि आखिर क्या कारण था, क्या हुआ, कौन सा बलवा हो गया, क्यों हमारे पदाधिकारी उठाए गए, कहां गलती उन्होंने की, ये भी तो हमें जानने का पता होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, आखिर कोई मुद्दा हो, आखिर क्या है, आखिर चीजें क्या है, अब वो खुद बताएंगे जब निकले। खाली हो जाएंगे एसओ साहब भी हैं? नहीं, यहाँ नहीं, नहीं वो कहाँ, सब अधिकारी वही मौके पर ही है। क्या वहाँ कुछ गोली वोली चला लगा? नहीं, वहीं पे रुके हैं, वहीं पे रुके हैं सीओ मैडम को लिया है, वो वहीं पे रुके हैं सीओ मैडम यहीं पे। नहीं, हम लोग भी तो बस यही जानना चाहते ना भाई, हमारे पदाधिकारी ने क्या गड़बड़ी की है। गलत है तो भाई गलत है, लेकिन चीजें क्या होता है पता होनी चाहिए, संवाद तो होना चाहिए, हमें मालूम तो चले कि आखिर क्या हुआ है। हमारा अपराधी है, बंद किया तो बात अलग है, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि को आप बंद किए हैं तो क्या मुद्दा हमें करने का हक है कि नहीं है? भाई जी, ये मामला क्या है जो सुंदरपुर अभी थोड़ी देर पहले घटना घटी है? ये देखिए, अभी थाना लंका थाना क्षेत्र में सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास हमारे सुंदरपुर चौकी के कुछ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल यहाँ पे गश्त कर रहे थे और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा परिस्थिति हुआ कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इन्होंने उनकी टोका टोकी की, इस पर उनके द्वारा कुछ बदतमीजी की गई और इस संबंध में यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है और जो लोग भी इसमें सम्मिलित रहे उनकी हम जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी निकाल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी कराई जा रही है, इनमें बहुत ही सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। सूचना यह है कि इसमें जो है सत्तासीन पार्टी का एक जिला उपाध्यक्ष है जिसने पुलिस पर हाथ छोड़ा है और आज कानपुर में भी एक घटना हुई है जिसमें 8 लोगों की हत्याएँ की गई हैं।
पुलिस वालों की निर्मम तरीके से। और दूसरी तरफ ये बनारस में आज होती है घटना जिसमें जो है पुलिस के साथ हाथापाई होती है, तो इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा? नहीं, इसमें हम मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है उसका हम अवलोकन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें जिनके द्वारा यहाँ पे समस्या क्रिएट की गई है उनकी चिन्हित करके उनको सख्ती से उनके साथ उनकी गिरफ्तारी कराई जा रही है और बहुत ही सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। अच्छा, किन अभी कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं? जी, गिरफ्तारी कार्रवाई चल रही है। किन लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी बाद में अवगत करा दिया जाएगा आपको, गिरफ्तारी होगी इसलिए हम बाद में आपको अवगत कराएंगे। जनपद वाराणसी में एक सुंदरपुर पुलिस चौकी है जो लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी कंटेनमेंट जोन बना रहे थे। उसी समय थाने से सूचना आई चौकी प्रभारी के पास कि एक व्यक्ति शहजाद नाम का है जो किसी को धमका रहा है। शिकायतकर्ता से पूछताछ के लिए वहाँ पे फैंटम से दो कांस्टेबल बाइक से गए और वो पूछताछ कर ही रहे थे, तब तक वहाँ पे दो तीन लोग और बैठे थे बिना मास्क के थे, वो लोग भी आ गए और वो जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी, जिसके विरोध में पूछताछ कर रही थी, उनके दोस्त भी थे। इसमें पुलिस ने उनसे बिना मास्क का कारण पूछा तो उस पर अभद्रता शुरू हो गई और काफ़ी गाली गलौज किया वहाँ पे। इसी समय पुलिस ने भी अपने चौकी इंचार्ज को बुलाया और दूसरे पक्ष ने भी 5-6 लोगों को अपने घर से बुला लिया और वहाँ पे शुरुआती दौर में चूँकि पुलिस की संख्या कम थी तो काफ़ी अभद्रता की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई और इस क्रम में एक FIR पंजीकृत हुआ है। इसमें रात में ही दबिश देके दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसमें से एक जिला पंचायत सदस्य भी हैं और टीम दबिश दे रही है, 5-6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। निश्चित रूप से इसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि एक मैसेज जाए और ये एक मिसाल बन सके कि पुलिस के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करता है या कोई हमला करेगा तो उसके विरुद्ध इस तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।